तो गाइस ये जो क्राउन एथेरल था बहुत ही सॉफ्ट था, मतलब मैंने बहुत जैसे ही सॉफ्ट। मुंह में रखा तो मेरे पेट में चला गया, इतना सॉफ्ट था। ओह नहीं, ओह ओह पॉजिटिव। शिट, ओह दैट्स अ रिव्यू, दैट्स अ रिव्यू एंड अ हाफ। मैंने जैसे ही मुंह में रखा मेरे पेट में चला गया। दिस इज अ चैनल आइडिया, इज द बेस्ट चैनल आइडिया यू हैड एवर गेट। एचके फूड रिव्यूज इज रिव्यूइंग पाकिस्तानी स्नैक्स। लेट्स जस्ट से मैंने स्लांटी कभी नहीं खाई। क्लिक ऑन दिस वीडियो, आई विल नो व्हाट स्लांटी इज, व्हाट स्लांटी लुक्स लाइक, व्हाट इट टेस्ट लाइक, इसकी क्वांटिटी क्या, एवरीथिंग। एंड यहीं से मुझे प्रिंस चोको जैमी भी मिला था। दिस इज वेयर आई फाउंड माय प्रिंस चोको जैमी ब्रो। गाइस वेलकम टू द एचके फूड रिव्यू। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये प्रिंस का चोको जैमीज। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मेरे बेल आइकन को दबा दें, भाई ये रहा हमारे पास प्रिंस चोको जैमीज। yes! तो उसको आप देख सकते हैं कैसा है ये अंदर से, वो तो हम खोल के भी दिखाएंगे आपको। yeah, you know exactly how the packaging is, what it looks like. चॉक बार जैसा है, चॉक जो चॉक बार होती वैसा है। तो लंबी चॉकलेट, आई डोंट नो व्हाट लंबी चॉकलेट ही इज टॉकिंग अबाउट, बट इट्स अ लंबी एस चॉकलेट। वो खाने जा रहा हूँ। ये यहाँ पे ये फनी पार्ट है, सही है। यू'ड एक्सपेक्ट कि वो मतलब एक बाइट लेगा प्रिंस चोको जैमी का, फिर रिव्यू देगा, यू नो व्हाट इसका टेक्सचर ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, फ्लान फ्लान, यू नो डिटेल्स अबाउट द प्रिंस चोको जैमी। बट लुक व्हाट ही डज, फास्ट फॉरवर्ड करेगा, यू कैन जस्ट हियर द मंचिंग। तो गाइस मैंने ये प्रिंस चोको जैमी खा ली है। मैंने प्रिंस चोको जैमी खा ली है, इट्स गॉन, नो मोर प्रिंस जैमी, नो मोर फ्लिप इन प्रिंस जैमी ब्रो। सी है, ओह वुड वी गेट स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनीज। यो आई लव दिस गाय, मैं उसको रोस्ट नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग इट्स फनी। सही है, now he's got nothing to review. वो उसको इतना पसंद आया कि उसने सारे का सारा खा लिया, ना रैपर छोड़ा ना कुछ। There is nothing on the screen anymore. It's just a white plain. It's just like मैंने अभी चोको जैमी खा लिया है, बहुत मजेदार है। इसमें बाहर से चॉकलेट है, अंदर से बिस्किट है और उसके अंदर एक स्ट्रॉबेरी जैम है, जो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा देते हैं। और प्रिंस का चॉकलेट तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मतलब वो था, बिस्किट आप कह सकते हैं इसको। इट्स अ चोको जैम, कॉल इट अ चोको जैम। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। व्हाट शुड वी वॉच नेक्स्ट बॉयज, ही's got वाओ चॉकलेट बिस्किट्स, ही's got डिंग डोंग रिव्यू, ही's got a flipping डिंग डोंग रिव्यू। जानी ये तो देखना पड़ेगा ना, डिंग डोंग का न्यू फ्लेवर पीच एंड मैंगो। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, पीच एंड मैंगो ने क्या सब्सक्राइब कर दें और सामने वाले बेल आइकन को दबा दें। तो गाइस चलिए रिव्यू करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारे पास डिंग डोंग का न्यू पीच एंड मैंगो। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, येलो और पीच कलर में आती है और यहाँ पे नीचे पीच एंड मैंगो भी लिखा हुआ है। बेस्ट रिव्यू, आई एम नॉट किडिंग यू, ही इज द बेस्ट कैंडी स्नैक रिव्यूअर इन पाकिस्तान। ये मैजिक पता नहीं क्यों लिखा, शायद इनकी सीरीज है, लेकिन मैजिक का मैंने नहीं पता, लेकिन पीच एंड मैंगो ये नया फ्लेवर है। तो चलिए मैं भी इसको खोल देता हूँ। I wanna see him eat the bubble. I wanna see अगर इसके साथ भी ये वही हरकत करता जो इसने चोको जैमी के साथ की थी। ये देख सकते हैं येलो और ऑरेंज कलर है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं ये एक साबुनदानी जैसा लग रहा है, डिंग डोंग बबल कम और गाय सोप ज्यादा लग रहा है, बट इट्स ओके, ही विल स्टिल ईट इट। मेरे ख्याल से येलो मैंगो होगा और ऑरेंज पीच होगा। तो गाइस इसके शेप आप देख सकते हैं, चकमार। तो गाइस चकमार, Oh, he's gonna eat it all, bro. He actually eats it, bro. Respect. तो ये ड्रिंक डाउन ने भी recently ये दो फ्ले, मुझे पता क्या लग रहा है, I feel like इसने जुबान के नीचे छुपा ली बबल, so he can सही से बोल सके ताकि। लॉन्च किए थे एक पीचन मैंगो था और एक is he sucking on it? ब्लैक करन था, ब्लैक करन मैंने रिव्यू कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों फ्लेवर मुझे खास नहीं लगे, वो वाला भी मुझे खास नहीं लगा, ये वाला भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। HK reviews has said it. Peach and mango ding dong bubble is not mazdar. इससे अच्छा तो वो पहले वाले अच्छे हैं। और बाबा ही सेड इट, इससे पहले वाले अच्छे हैं, सही है। Next review. Hello guys, welcome to the HK food review. Review. अभी आया। Yeah boy. हम रिव्यू करने वाले हैं ये क्राउन हेजलनट। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, I've never actually had crown hazelnut. So this is going to be a fun one. ये सब्सक्राइब कर दें और सामने वाले बेल आइकन को दबा दें। चल जानी, let's do this. जैसा कि देख सकते हैं,
और ये ओहो तो भाई इसकी अंदर से भी इतना बड़ा पैकेट और इतनी ही चॉकलेट बीच में सिल्वर वो फ्रॉड है, खोल लेते हैं, फ्रॉड है। तो गाइस ये देखें, बट विल वेट फॉर एच के रिव्यूज, जब तक वो कुछ नहीं बोलता हम कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा दिखता है कुछ, ये कुछ में चीज याद आ रही है पर अभी कुछ कह रहा कहते पता नहीं क्या है। तो रेडी से उसको कुछ, इसको देखने से उसको कुछ याद आ रहा है। HK, I thought you was an innocent boy. कुछ में चीज याद आ रही है पर अभी कुछ कह रहा कहते पता नहीं क्या है। तो गाइस कुछ याद आ रहा है बट पता नहीं कहते उसको क्या है। अभी गाइस मैं इसको खाने जा रहा हूं। फ्रेफरल अजान हो रही है यार। Oh, is he sucking on it as well? Shit. तो गाइस मैंने ये क्राउन हेजलनट खा लिया है। तो गाइस ये जो क्राउन हेजलनट था बहुत ही सॉफ्ट था, मतलब मैंने जैसे ही मुंह में रखा तो मेरे पेट में चला गया, इतना सॉफ्ट। ओह नहीं, ओह शिट, ओह दैट्स अ रिव्यू, दैट्स अ रिव्यू एंड अ हाफ। मैंने जैसे ही मुंह में रखा मेरे पेट में चला गया, समझ रहे हो मेरी बात? डू यू, ओह यो दैट्स सम स्ट्रांग एस वर्डिंग, दिस इज कंटेंट आई एम टेलिंग यू। सो या दिस इज व्हाट इट नीड्स टू बी डन इन YouTube पाकिस्तान। जैसे ही मैंने मुंह में रखा मेरे पेट में चला गया, मतलब इतना मुलायम, कभी देखी इतनी मुलायम चीज? आई डोंट थिंक सो ब्रो। अंदर से भी चॉकलेट था, बाहर से चॉकलेट था, और इसके अंदर कुछ हेजलनट का टेस्ट आ रहा था जो कि काफ़ी टेस्टी था। मैं इस क्राउन हेजलनट को दूंगा फिंगर्स अप। तो गाइस थंब, यू गिव इट अ थंब, थंब्स अप, इट वाज़न्ट, यू नो व्हाट, फिंगर्स अप इट इज, या फिंगर्स अप। कैन वी हैव सम फिंगर्स अप इन द चैट प्लीज फॉर एच के रिव्यूज, कैन वी हैव सम फिंगर्स अप। Come on, join your finger with me. Gonna be all right. Come on. Actually, touch your screen with your thumb, please. Or नहीं तुम लोग मेरा fingerprint देख लोगे. Oh, he's doing a versus. जानी ये तो versus हो रहा है. Prince versus क्या? Mayfair chocolate sandwich. Oh shit, it's a 1v1, boys. It's gonna be a tough one. Hello guys, welcome to the HK Food Reviews. Oh, so best intro bro. I might even copy him. I'm not even kidding. So guys, आज हम compare करने वाले हैं ये Prince chocolate biscuit covered with chocolate और Mayfair chocolate biscuit covered with chocolate. तो Mayfair क्या है? Sorry. Oh, he said sorry. So we'll forgive him for the Mayfair. He said sorry. उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और समय वाले बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे पास दोनों बिस्किट्स। तो फॉर 2 सेकंड्स ही गॉट कब्स, ये हमारे पास दो बिस्किट्स। तो गाइस ये रहे हमारे पास दोनों बिस्किट्स, बिस्किट्स गॉट अ पू वेट, एक है प्रिंस और एक है चॉकलेट। प्रिंस जो मैंने लिया है वो 10 की कीमत में आ रहा है और ये Mayfair जो है वो 5 की कीमत में आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही मतलब सेम ही है चॉकलेट सैंडविच आप इसको कह सकते हैं। तो गाइस मैं बारी बारी इनको खोलूंगा, टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कौन सा अच्छा है। तो गाइस व्हाट डू यू थिंक, इज प्रिंस बाय लू गोना विन और Mayfair? पिक योर साइड्स जल्दी जल्दी। इफ यू विन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो I'll give you a choco jammy. Say 5 rupees. What do you think is gonna win? What's a red? It's called Mayfair. Mayfair Choc Day. That's what it's called. Mayfair. Chal phir. We got a lot of votes on Mayfair. Okay. Well, सबसे पहले मैं ये Mayfair वाला वो करता हूँ, open और taste करूँगा. क्या बात? Well, इसकी packing कुछ ज़्यादा struggling. मुझे ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, कैमरे के पीछे छुपाए जाओ। आई थिंक प्रिंस हैज वन, उसने एक ही ट्राई में ऐसे करके खोल दिया। आई थिंक प्रिंस हैज वन।
ये भी देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा है उससे, क्योंकि ये 10 रुपए की कीमत में आता है, थोड़ा बड़ा, बाकी सेम ही है, बट डबल द प्राइस। तो चलिए मैं इसको भी खा लेता हूँ। खा लो, खा लो भाई, खा लो जल्दी जल्दी। ब्लेसिंग माय इयर्स। तो गाइस जो मेफार का, जब मैंने पहली बार खाया, पहली बात वो मेफार का जो अंदर से है वो ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन कलर का है, और जब मैंने उसको खाया तो मुझे लगा यही टेस्टी है, अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है बस। और उसके बाद मैंने प्रिंस खोला तो वो वाइट था, काफ़ी ज़्यादा वाइट था, और प्रिंस में क्या था ना कि वो प्रिंस बिस्किट था, ऊपर से ही बस उसको चॉकलेट कवर कर दिया, और प्रिंस का जो ऊपर चॉकलेट कवर था वो ना ओरिजिनल था, मुझे कुछ उसमें कुछ ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। He's very confused. He doesn't know कि मतलब which one's better. मतलब एक आधी कीमत में मिल रहा है, एक आपको एक जितने का मिलता है उतने के आपको मेफार के दो मिल जाते हैं। कैसे बोलूं मैं कि ये बेहतर, कैसे, इवन दो इट्स जस्ट अ बिस्किट कवर्ड विद चॉकलेट। मैं कुछ ज़्यादा टेस्ट आ रहा था मेफार के हिसाब से, तो गाइस मैं प्रिंस चॉकलेट बिस्किट को दूंगा। ओह शिट, हु सेड प्रिंस, कम इन माय चैट, हु सेड प्रिंस, हु चोज प्रिंस, आ जाओ सारे जल्दी जल्दी आ जाओ। Fingers up, mil gaya iska bhi. Can we have fingers up in the chat? Can we have another fingers up in the chat for our boy HK Reviews, please? Come on. Touch the screen. Come on, make me feel good. Oh, this feels so right. I know. Thanks. Heck yeah, Prince. Okay, next. Ek aur review. So yeah, this guy is too... हेलो गाइस, वेलकम टू द एचके फूड रिव्यूज। तो गाइस आज हम करने वाले हैं सिलेंडर की, ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर एवर। मतलब मैंने ये वीडियो पहले से देखी नहीं थी, लेकिन आई न्यू व्हाट वाज गोना हैपन। तो गाइस चलिए कंपेयर करते हैं, आज सिलेंटी हो ही जाएगा। गाइस हमारे पास है सिलेंटी जलेपिनो और सिलेंटी सॉल्टेड। सिलेंटी जलेपिनो, सिलेंटी जलेपिनो। ओह शिट गाइस, सबसे पहले मैं ये सिलेंटी जलेपिनो टेस्ट करूंगा। तो गाइस चलिए बॉय, लेट्स गो, फाड़ दे आज इसकी, फाड़, खोल दे आज, खोल, फाड़। व्हाट हैपेंड, मेरी खुल रही है, खुल रही है, ओके खोल दे। ओह शिट, ये है अंदर से लाल, क्योंकि ये स्पाइसी फ्लेवर है, तो ये लाल ही होगी और वो वाइट ही होगी, वो सॉल्टी है। तो अभी मैं इसको खा लेता हूँ। हेलो, आर यू जस्ट गोना ईट वन? ओह यू विश, यू थॉट ही वाज गोना ईट ओनली वन, ही इज गोना फिनिश द होल पैकेट ब्रदर। सिलंटी। तो गाइस मैंने सिलंटी जलेपिनो खा लिए। जानी मैं बताता हूँ, अगर इफ ही डिडंट लिक हिज फिंगर्स एट द एंड, मतलब वो जो मसाला होता है सारा, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ ना सलांटी खाने का। अगर वो इसने नहीं किया तो मतलब सलांटी जाया करती ना, समझ रहे मेरी बात? अब मैं सलांटी नहीं, इसकी उंगलियों पे तो मसाला भी नहीं लगा हुआ। जानी मैं खाने जा रहा हूँ, मैं इसको भी खोल देता हूँ। ओह शिट, ही एक्चुअली पुट सो मच एफर्ट। वाइट हो गई क्योंकि सॉल्टी है। तो गाइस मैं इसको खाने जा रहा हूँ। जो कि बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े नहीं। तो यू आर ट्राइंग टू से कि बाकी चिप्स स्नैक्स बच्चे नहीं खा सकते हैं, सही है? भी खा सकते हैं, लेकिन जो ये सिलंटी जलेपिनो है वो तो बड़े खा सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइसी है, और जो सिलंटी सॉल्टी है वो ना मतलब बड़े भी खा सकते, ऐसा नहीं वो सिर्फ सॉल्टी है, उसमें कुछ एक अलग टेस्ट आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात की ना, ये सिलंटी जो सॉल्टी है वो मुझे काफ़ी पसंद आई है, हालांकि मैं सिलंटी जो सॉल्टी है बहुत सॉल्टी सिलंटी है, समझ रहे हो मेरी बात? दैट्स फैक्ट्स ब्रदर्स। और लेकिन मुझे सिलंटी से सॉल्टी का बेचारी को इतनी मिर्च लगी है, उसका नाक बह रहा है, मतलब इतनी मिर्ची कब से आना शुरू होगी जलेपिनो में भाई? जलेपिनो था क्या? ज़्यादा पसंद आई। मैं सिलंटी सॉल्टेड को दूंगा फिंगर्स। ओह कम ऑन मैन, आई थॉट ही वाज इसने फिंगर्स। कैन वी हैव अनदर? कम ऑन बॉयज, फिंगर्स अप फॉर बॉय एचके रिव्यूज। कैन वी हैव सम फिंगर्स अप इन द चैट राइट नाउ? हरी अप, कम ऑन, एनी टाइम नाउ।